कार्टून्स दुनिया भर में बच्चों और बड़ों को सबको पसंद होते हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के लिए बनाए गए ऐसे कार्टून्स अपनी बाउंड्रीज को कुछ ज्यादा ही आगे धकेल देते हैं। काफी सारे ऐसे मशहूर कार्टून्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में वायलेंस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और यहाँ तक के सुसाइड जैसे काफी सारे रीजंस की वजह से एपिसोड्स और यहाँ तक के पूरी की पूरी कलेक्शन ही सेंसर और बैन करवा चुके हैं। तो आज हम वही बैन कार्टून्स को देखेंगे कि बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्टून्स आखिर किस वजह से बैन किए गए। SpongeBob SquarePants निकलोडियन पे दिखाया जाने वाला सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड सीरीज है, लेकिन कुछ एपिसोड्स ने ऐसा किया जिसकी वजह से बैन लगा दिया गया। सीजन 3 का मिड लाइफ क्रिस्टेशन एपिसोड 2018 से दिखाया ही नहीं गया। SpongeBob, उसके दोस्त पैट्रिक और इसके बॉस मिस्टर क्रैप ने इस एपिसोड में क्रेजी नाइट आउट गुजारी और वो एक औरत के घर में घुस के इसके कपड़े तक चोरी कर लेते। कहानी के कुछ एलिमेंट्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। SpongeBob SquarePants को पहली बार 1999 में दिखाया गया था और इसके साथ नए एपिसोड्स अब भी निकलोडियन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई तो जा रही हैं। स्टीवन यूनिवर्स 2013 से 2019 तक कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाता था। स्टीवन यूनिवर्स का कैरेक्टर क्रिस्टल जेम्स के नाम से मशहूर एलियंस के मैजिकल ग्रुप के साथ रहता था। कार्टून स्टीवन और दुनिया को बचाने वाले जेम्स के बारे में फनी एपिसोड्स पर बेस्ड था, लेकिन इस सीरीज पर LGBTQ थीम्स की वजह से कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई। कीनिया में स्टीवन यूनिवर्स इन बहुत से शोज में से एक जिन पर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की वजह से भी बैन लगा दिया गया था। और इसके बाद कार्टून नेटवर्क यूके ने अपनी एनिमेटेड सीरीज की एपिसोड्स को एडिटेड मोड में दिखाना शुरू कर दिया। टेलस्पिन एक एनिमेटेड डिज्नी सीरीज थी जिसमें दी जंगल बुक से लिए गए एंथ्रोमॉर्फिक जानवरों के कैरेक्टर शामिल थे। ये सीरीज ग्रेट वॉर के 20 साल बाद केप जूजिट के बारे में थी। फ्लाइंग डोप्स के एपिसोड में बलूदा बियर ने सोचा कि वो थेम्ब्रियन हाई मार्शल को हाउस वार्मिंग का प्रेजेंट दे रहा है, लेकिन इसे टिक टिक टाइम बम पहुंचाने के लिए धोखा दिया गया था और आखिरकार इस एपिसोड पर टेररिस्ट थीम की वजह से बैन लगा दिया गया। शिनचैन जो क्रेयॉन शिनचैन के नाम से मशहूर है एक जापानी मैंगा सीरीज है और ये शो अब 40 कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिखाया जा चुका है, लेकिन ये डार्क कॉमेडी और अजीब किस्म के मजाक से भरा हुआ है जिसको सिर्फ अडल्ट ही पसंद कर सकते हैं और वो युवा। ये मजाक इंडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही था और मुल्क ने जल्द इस सीरीज को दिखाने पर बैन लगा दिया। बेसिकली टॉम एंड जेरी का नाम टॉम एंड जेरी था ही नहीं, इसका नाम तो जेस्पर और जिंक्स था, लेकिन शुक्र है कि कार्टून मेंबर्स को ये नाम पसंद नहीं आया और इस तरह इनका नाम टॉम एंड जेरी पड़ गया। लेकिन इस कार्टून को यूएसए, ब्राजील और दूसरे कंट्रीज में क्यों बैन किया गया? दरअसल कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे रेसिस्ट जोक्स थे और टॉम एंड जेरी का वायलेंस तो कोई भूल ही नहीं सकता। और क्या आपको याद है कि इस शो में एक लेडी भी हुआ करती थी? शो मेकर्स को इन्हें भी शो से निकालना पड़ा। वो जिस एक्सेंट में बात करती थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेंट था। इनफैक्ट रेसिज्म की वजह से काफी सारे एपिसोड्स तो दिखाए भी नहीं गए। टीवी पर दिखाए जाने वाले बहुत सी कार्टून बैटमैन सीरीज में से एक ब्रेव एंड द बोल्ड थी, जो कि 2008 से 2011 तक दिखाई गई। इसमें सुपर विलन और क्राइम से लड़ने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डीसी कॉमिक हीरोज को साथ मिलकर काम किया, लेकिन एक एपिसोड में सेक्सुअल रेफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको बैन लगा दिया गया। ग्रेविटी फॉल्स शो के पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज से भरा हुआ एनिमेटेड सीरीज 2012 से 2016 तक डिज्नी चैनल और डिज्नी XD पर चली तो सही, लेकिन जब डिज्नी प्लस पर ग्रेविटी फॉल्स शुरू हुआ तो ग्रंकल स्टैंड फेस्ट पर मौजूद सिंबल को हटाना पड़ा क्योंकि ये इस्लामिक आइकोनोग्राफिक से रिजेंबल रखता था और इस शो को बेहतर बनाने के लिए काफी सारे सीन्स और डायलॉग्स पूरे एशिया और लैटिनी अमेरिका में सेंसर कर दिए गए। पेपा पिग एक एनिमेटेड बच्चों की सीरीज है जो इस लिस्ट में मौजूद दूसरे सीरीज के मुकाबले में बच्चों के लिए खास तौर पर बनाई गई। शो पेपा नामी पिग के बारे में है और इसके छोटे भाई जॉर्ज और इनके बाकी खानदान के साथ जब वो एक सफर करते हैं। ये शो बच्चों को उन नए एक्सपीरियंसेस को बेहतर तौर पर समझने में मदद के लिए बनाया गया था जिनका इन्हें रियल दुनिया में सामना हो सकता है। सोसाइटी पीपल की तरह बोलने की वजह से चीन में कार्टून पर बैन लगा दिया गया जो बदमाशों और अनएजुकेटेड लोगों की तरह बोलते थे। पेपा पिग मुल्क भर में टैटू में दिखाया गया और अब इसे बगावत की शक्ल के तौर पर देखा जाता है। मिस्टर स्किनी लेग्स एपिसोड पर ऑस्ट्रेलिया में भी बैन लगा दिया गया था। आप शायद अपने आप से पूछ रहे होंगे कि दुनिया में विनी द पूह पर कहां बैन लग सकता है, एक ख्याली टेडी बियर के बारे में एनिमेटेड सीरीज जो शहद से बहुत प्यार करता है। लेकिन बदकिस्मती से चाइनीज अथॉरिटीज मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। 2017 में डिम्पी विनी द पूह को ब्लॉगर्स चनी सदर जी शिनपिन के मुकाबले में इस्तेमाल कर रहे थे।
विनी द पूह की काफी सारी तस्वीरें ऑनलाइन पॉपअप हुई जब जी से मिलती जुलती थी, पर इसीलिए चाइना में इसको बैन लगा दिया गया। तो कैसी लगी आपको बैन कार्टून की लिस्ट? कहीं आपका फेवरेट कार्टून भी इस लिस्ट में तो नहीं था?